पिछले कुछ समय से हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है और ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं ताकि वो राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे। संसद है केंद्रीय मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू जी, जब तो वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी प्रशंसा करते रहते थे और पिछले दिनों उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्सी की खातिर सिद्धांतों का बलिदान किसी भी समय किया जा सकता है। महज कुर्सी के लिए किसी राष्ट्रीय नेता पर टिप्पणी कर ली जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी कितनी मजबूत की जाए, तो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ सम्मानित नेता जो लोगों की आवाज है, जो पत्रकार बंधुओं की भी आवाज है, जिन्होंने देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को मजबूत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पदयात्रा की, श्री राहुल गांधी जी वो तो दो प्रधानमंत्री के पोते और बेटे थे, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें पदयात्रा करने की। उनके मन में ये भाव थोड़ी था कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए पदयात्रा करनी है, उनके मन में ये भाव था कि मैंने देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को मजबूती प्रदान करनी है तो मुझे देश के हर दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है और उनकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी में उनका जो एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, ये लक्ष्य था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभुए नेताओं के माध्यम से उनके ऊपर टिप्पणियां करवा रही है। अब पंजाब में पहले तो दो बार सांसद रहे रणजीत सिंह बिट्टू जी कांग्रेस पार्टी के, तब तो राहुल गांधी जी के गुणगान करते थे, व्याख्यान करते थे, कसीदे पढ़ते थे उनके लिए, और अब भारतीय जनता चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिना संसद के अभी मंत्री बने हैं तो उन्हें पता है कि मुझे अभी संसद बनना है, चुनकर जाना है राज्यसभा में, तो मैं किसी राष्ट्रीय नेता पर ऐसी टिप्पणी करूं ताकि ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। हिमाचल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है,